तो इस क्वेश्चन में दिया है कि डेंसिटी ऑफ वुड एंड बेंजीन एट 0 डिग्री सेल्सियस आर 880 एंड 900। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा का वैल्यू दे दिया है वुड का भी और बेंजीन का भी, दोनों का दे दिया है। तो पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल अ पीस ऑफ वुड जस्ट सिंक इन बेंजीन। तो जस्ट सिंक मतलब क्या होता है समझते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स में। तो पूछ रहा कि जस्ट सिंक मतलब ये होता है, ये मान ले रहे बेंजीन है तो जस्ट सिंक मतलब वुड इस तरह से रहेगा, ये वुड हो गया, ये अपना बेंजीन। तो जस्ट सिंक मतलब इस तरह से ऐसा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तो तभी होगा जब दोनों का डेंसिटी इक्वल होगा, मतलब डेंसिटी ऑफ वुड इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बेंजीन। मतलब ऐसा तभी हो पाएगा जब डेंसिटी ऑफ वुड इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बेंजीन हो। तो सिंपली यही लॉजिक, यही कंडीशन लगा देंगे अब तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी जो होता है वो होता है इनिशियल डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये फार्मूला होता है, इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, याद करना होगा इसे, ये फार्मूला को याद कर लीजिए और यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो इसको यूज़ करते हैं, तो कोई मान लेते जिस टेम्परेचर पे वो सिंक करेगा उस समय डेंसिटी इक्वल होगा, तो उस समय डेंसिटी ऑफ वुड लिखते हैं तो होगा उसका इनिशियल डेंसिटी ऑफ वुड बाय 1 प्लस गामा ऑफ वुड डेल्टा टी इज़ इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी ऑफ बेंजीन बाय 1 प्लस गामा ऑफ बेंजीन डेल्टा टी। इक्वल टू किस लिए हुआ है तो आप लोग समझ में आ गया ना, इस चलते हुआ मैंने समझाया यहाँ पे क्यों इक्वल होगा, तभी जस्ट सिंक करेगा ना। तो ये कुछ लिखा हो इसको मिटा देते हैं, इसे मैंने रब कर देता हूँ, अब सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनिशियल डेंसिटी दिया वो वुड का 880 दिया है बाय 1 प्लस गामा ऑफ वुड कितना दिया है, वो दिया है 1.2 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³ डेल्टा टी, और ये दिया है अपना कितना डेंसिटी ऑफ बेंजीन 900, उसका गामा दिया 1.5 × 10⁻³ 900 हो गया बाय 1 प्लस 1.5 × 10⁻³ डेल्टा टी। जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ, 880 + 880 × 1.5 × 10⁻³ डेल्टा टी, ये इक्वल टू हो जाएगा 900 + 900 × 1.2 × 10⁻³ डेल्टा टी। सॉल्व करता हूँ जल्दी जल्दी, 880 × 1.5 अपना हो जाता है ये 1320, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.3, ये हो गया अपना 880 + 1.32 डेल्टा टी, ये अपना हो गया 900 + 900 × ये तो अपना हो जाएगा 1.08 डेल्टा टी, ये इस तरफ आ गया 20 और ये इस तरफ हो गया 1.32 - 1.08, ये इस तरफ आ गया 0.24 डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है सर मैं रब कर देता हूँ, पहले का लिखा हुआ था, हाँ तो यहाँ से अब डेल्टा टी आ जाएगा अपना 20/0.24, ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ से अप्रॉक्स आ गया 2000 / 24 मतलब 83.3,
मैंने 83.3 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी तो इनिशियल जीरो डिग्री था, मतलब टी माइनस जीरो, तो किस टेम्परेचर पे वो सिंक करेगा? तो अप्रॉक्सीमेटली वो सिंक करेगा, मतलब जस्ट सिंक करेगा 83 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली। तो अपना यही हो गया आंसर।